स्ट्रेन क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉडी सब्जेक्टेड टू थ्री म्यूचुअल परपेंडिकुलर फोर्सेस। जो बेसिक फॉर्मूला है आपका थ्री म्यूचुअल परपेंडिकुलर फोर्सेस का, जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का, वो होता है फॉर द रेक्टेंगुलर बॉडी। रेक्टेंगुलर बॉडी के लिए बात करता कर रहा हूँ, सिग्मा एक्स प्लस ये आपका क्या हो गया, आपका ई वी जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, तो क्या है ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड, यानी कि एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेन है, वाई डायरेक्शन में जो स्ट्रेन है लीनियर स्ट्रेन, और जेड डायरेक्शन में जो लीनियर स्ट्रेन है, उनका सम क्या होता है आपका, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है फॉर द केस ऑफ रेक्टेंगुलर बॉडी। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला ये आपका। और अगर मैं उसको एक्सपेंड करूँ ई और उसके सिग्मा के टर्म में, तो क्या होता है वन माइनस टू म्यू अपॉन ई। इनका मैं डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ, आप डेरिवेशन करके भी देख सकते हैं, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि तीनों में क्या लग रहा है, सेम फोर्स लग रहा है, हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस लग रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा सेम हो जाएगा, तो आपको जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो आपका हो जाएगा वन माइनस टू म्यू अपॉन ई थ्री सिग्मा। और अगर ई के टर्म में बात करें, लीनियर स्ट्रेन की बात में बात करें, तो वन माइनस टू म्यू इंटू थ्री ई। ठीक है, सिग्मा बाई ई क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, स्मॉल ई स्ट्रेन हो जाएगा। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ये ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पूछा गया था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ एन रेक्टेंगुलर बॉडी सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल फोर्स, यानी कि केवल एक ही फोर्स लग रहा है, एक ही डायरेक्शन में एक्सियल फोर्स लग रहा है और बकाया के डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रहा है। तो यानी कि मान के चलते एक्सियल डायरेक्शन में क्या हो गया आपका, सिग्मा एक्स ही आपका फोर्स लग रहा है, सिग्मा वाई और सिग्मा जेड क्या है आपके, जीरो है। तो आपका आंसर जो आपका होगा वन माइनस टू म्यू अपॉन ई, यानी कि केवल सिग्मा लगेगा आपका, थ्री सिग्मा नहीं लगेगा। तो ये आपको ध्यान से देखना है कि एन एक्सियल फोर्स है, क्या है, तीनों डायरेक्शन में फोर्स नहीं है, एन एक्सियल फोर्स है। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, ई यानी कि सिग्मा बाई ई क्या, सिग्मा बाई कैपिटल यंग्स मॉडुलस क्या हो जाएगा, स्मॉल ई स्ट्रेन वन माइनस टू, डेट विल बी योर आंसर। तो ऑप्शन कौन सा सही है आपका, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन से पहले क्या देखते हैं, देखिए ये क्या गया था, रेक्टेंगुलर की केस में बात की गई थी। अगर मैं सिलेंड्रिकल बॉडी और अगर मैं आपके स्पेरिकल बॉडी के बारे में बात करूं, तो क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला में बताऊंगा आपको। सिलेंड्रिकल बॉडी में क्या होता है, टू ई सी प्लस टू एप्सिलॉन ए। ठीक है, इसमें क्या है आपका, एप्सिलॉन सी क्या है आपका, दैट इज योर सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेन, और एप्सिलॉन ए क्या है आपका, एक्सियल स्ट्रेन। तो अगर मैं बात करूं, अगर प्रेशर, जैसे कोई भी एक सिलेंड्रिकल बॉडी है उसमें क्या है, पी प्रेशर लग रहा है, यानी कि हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस भी बोल सकते हो आप लोग, प्रेशर लग रहा है, और डी क्या है, डायमीटर है उसका, टी क्या है, थिकनेस है उस सिलेंडर की, फोर टी ई, ई क्या है आपका, यंग्स मॉडुलस है, फाइव माइनस फोर म्यू क्या है आपका, पॉइजन रेशियो है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला जरूर ये है आपको याद करना, क्योंकि ई एस में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, स्पेरिकल बॉडी में क्या आता है आपका, थ्री इंटू एप्सिलॉन सी, यानी कि क्या है आपका, जो आपका, जो आपकी एप्सिलॉन सी है, यानी कि ये सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेन है, सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेन, और उसके लिए भी अलग फॉर्मूला होता है, वो आप लोग अगर आपका आने वाले जो उसमें होगा क्वेश्चंस होंगे तो मैं उनको डिस्कस करूंगा। जैसे प्रेशर में होता है ना, सिलेंड्रिकल सेल और जो आपका स्पेरिकल सेल में आते हैं, तो क्या होता है उसका, थ्री पी डी बाई फोर टी वन माइनस, डेट विल योर आंसर फॉर का स्पेरिकल बॉडी। नेक्स्ट है यंग्स